पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्या कहा आपने? तो मैं तो एक बार फिर बोल जाती हूँ। ओह अच्छा, तुम्हें अपनी इंसल्ट करवाने का बड़ा शौक है, तो सुन लो मिस्टर। मुझे दोबारा इस नाम से बुलाया तो देख लेना। लेडी सुना दे, आपको अभी अंदर जाना चाहिए, गांव के बड़े इंतजार कर रहे हैं। ठीक है शिजुने, मैं आ रही हूँ। आइंदा संभल कर चलना, समझे बच्चे? आप उन लोगों से अच्छे से बात करना, क्योंकि कोई गड़बड़ हो तो सब मुझे ही सुनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखूंगी। Downloaded from Two World for All. कोई मुझे बच्चा बुलाए, ये मुझे कोई पसंद नहीं। अरे दिखता नहीं मैं यहाँ खड़ा था? तुम्हें रास्ते में खड़े होने को किसने कहा? नारुतो क्या ये तुम हो? ये क्या कोनोहामारू क्या ये तुम हो? बड़े दिनों बाद मिले। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें यहाँ आसपास गुस्से वाली ग्रैंडमा दिखाई दी थी क्या? दिखती नहीं लेकिन काफी बूढ़ी है। हाँ मुझे वो दिखी तो थी। वो कौन है वो? वैसे ये तो लंबी कहानी है। मेरे पास तुम्हारे साथ बकबक करने का टाइम नहीं है, मुझे इन्फर्मरी पहुँचना है जल्दी। इन्फर्मरी कह रहे हैं कि उन्हें होकागे बनाना चाहिए, पर वो भूल गई वो यहाँ पर क्यों आई थी। होकागे? हाँ वो हमारी फिफ्थ होकागे है। अरे वो जो भी हो, जो उन्होंने वादा किया था उसे पूरा करें बस। ये सच नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं है। तब इसको क्या हुआ? पिलर नंबर 2 से 50 मीटर की रेंज में 7 पंछी हैं। क्या बात है टेंटेन? मैजी। हे तुम्हें खबर नहीं सुनी क्या? लेडी सुनाडे वापस आ गई। वो सच में आई है, तुम उन्हें देखने नहीं चलोगे? नहीं अभी नहीं, मेरा मन नहीं है। तो यहाँ 8 पंछी थे। ध्यान से सुनो सुनाडे, हमें फ्यूडल लॉर्ड को खबर देनी होगी कि फिफ्थ होकागे अपनी जिम्मेदारी संभालने विलेज आ चुकी हैं। हमें तुम्हारी इनॉग्रेशन सेरेमनी की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। सेरेमनी करना जरूरी है क्या? बहुत बोरिंग होती है वो। सुनाडे ठीक है तैयारी कर लो, आ जाऊंगी। होकागे हूँ तो ये सब करना ही पड़ेगा ना। ग्रैंडमा जी आओ। बा जी जाओ, सबको खबर कर दो कि अब से कुछ दिनों के बाद हम विलेज के सभी लोगों के सामने लीफ विलेज की फिफ्थ होकागे का स्वागत करेंगे। ठीक है। आपने ऐसा क्यों किया ग्रैंडपा? आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? एक नए होकागे। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत थकी हुई हूँ मैं। मैं बस गर्मा गर्म चाय पीते हुए कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। हाँ पर लेडी साहब कहीं नहीं जाने वाली ग्रैंडमा, चाय नाश्ता छोड़िए, आप जो काम करने आई थी पहले वो कीजिए। ऐसा कौन सा काम है? अरे भूल गई, आपको यहाँ आके सास के काकाशी सेंस और कटोरा कट को ठीक करना था। ओ हाँ, मैं तो सच में भूल ही गई थी। ओ तुम भी यहाँ हो नारुतो। शिकमारू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर बार की तरह इचिराको नूडल्स नहीं ठूस रहे? खुद तो पूरा दिन पेड़ के नीचे पड़े रहते और मुझे बोल रहे हो? अभी मैं सो ही रहा होता पर डैड ने मुझे साथ चलने को कहा तो मैं आ गया। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? अब कैसे हैं लेडी सुनाडे, हम काफी अरसे बाद मिले। तुम तो शायद वो नौरा फैमिली वाले लड़के हो। उम्मीद है गार्डन का ध्यान अच्छे से रख रहे होगे, मैंने वहाँ की जड़ी बूटियों से बहुत अच्छी दवाइयाँ बनाई थी। वो बिल्कुल ठीक है। ये नई लड़की कौन है और ये डैड से ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे उनकी बॉस हो? तुम्हें पता नहीं क्या, वो फिर धोखा गए हैं। वो कोई लड़की नहीं है, वो असल में 50 साल की बूढ़ी दादी माँ है। यकीनन हम दोबारा जल्दी मिलेंगे। यस माय लेडी। चलो मैं जा रहा हूँ इन्फर्मरी, तुमसे बाद में मिलता हूँ शिकमारू, तुम्हें अपनी नई पावरफुल टेक्निक दिखाऊंगा। क्या यही है हमारी फिफ्थ होकागे? उन्हें कम मत समझो, वो सबसे ताकतवर निंजास में से एक है बेटे, तुम बस उनकी शक्ल पर मत जाओ। अच्छा। हाँ वो 3 लेजेंडरी सानिन में से एक है और ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ ठीक है, पर फिर भी एक फीमेल होकागे होना, आपको नहीं लगता हमारे एल्डर्स ने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया?
आपको तो पता ही है औरतें कैसी होती हैं, उन्हें समझना इम्पॉसिबल है। बात बात पर उनका मूड बदल जाता है, कभी वो नॉर्मली बात करती हैं और कभी किस बात पर चिढ़ जाए पता नहीं, और ऊपर से हमेशा हमें अपने वश में करके अपने काम करवाना चाहती हैं। वो सच में एक बहुत बड़ा सरदर्द होती है। सुनो शिकामार, इतना याद रखो कि औरतें नहीं होती तो मैं और तुम भी इस दुनिया में नहीं होते। वो हम आदमियों को बेहतर बनाती है और ऐसी कई चीजें हैं जो हम उनकी मदद के बिना नहीं कर सकते। कोई औरत चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, वो जिससे प्यार करती है उसका हमेशा ख्याल रखती है। हाँ हाँ, तो ऐसा बोलोगे ही डैड, घर में मॉम के आगे आपकी चलती कहाँ है? एक दिन तुम मेरी बात का मतलब जरूर समझ जाओगे। ओह, काफी वक्त हो गया, यहाँ अपना काम जल्दी पूरा करके घर चलते हैं। अगर देर से पहुँचे तो तुम्हारी मॉम हम दोनों को खूब सुनाएगी। जल्दी करो शिकामारू। अगर ये अभी बेहतर है तो मॉम के आने से पहले इन्होंने पता नहीं कौन कौन से कारनामे किए होंगे। मैं इसे देख सकती हूँ? आप कौन? ये जो भी है बहुत सुंदर है। सकुरा, सकुरा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये ग्रैंडमा सब कुछ फिर से ठीक कर देंगी। सास के बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नारुतो, ये फूल तो बिल्कुल ताजा लग रहे हैं। लगता है ये इससे मिलने हर रोज यहाँ आती है। आप शायद वही है जिसके बारे में गाय सेंसे ने बताया था। ओह प्लीज, आप सास्की को बचा लीजिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। नारुतो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा सेंसिटिव है। चलिए अभी काम बाकी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उन दो रोग निंजा का सामना क्या किया? तुमने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। मुझे लगा था तुम यहाँ के बेस्ट निंजा हो। सॉरी, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। चलो काकाशी सेंसे भी ठीक हो गए, बस एक और पेशेंट और फिर आपकी छुट्टी। ठीक बाजू में, एकदम बाजू में। ली, देखो तुमसे मिलने कौन आया है, लेडी सुनाड़े। क्या ये लड़का तुम्हारा स्टूडेंट है गाय? जी हाँ, चाहे तो इसे स्टूडेंट नहीं, मेरा बेटा। रिमोवीज को भी खो दिया, हमारी ताकत पहले से आधी हो चुकी है, पर फिर भी जो हमें मिशंस दिए जा रहे हैं हमें उनको पूरा करना है। आप वो क्यों कर रहे हैं? अगर लोग कम है तो आप मना कर दीजिए ना। अभी तो दिमाग चला लिया करो, अगर हमने मिशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो बाकी देशों को लगेगा कि हम कमजोर हो गए हैं, इसीलिए सबको काम करना होगा, वो लोग भी जो घायल हैं, जैसे काकाशी सेंसे। क्या सच में सेंसे? आपकी तो हवा टाइट है। काम तुम्हें भी करना होगा बुद्धू, तुम्हें भी मिशन पूरे करने होंगे और वो बैटल्स भी लड़ने होंगे जिनके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं तो तैयार हूँ, पर मैं खाली पेट फाइट तो नहीं कर सकता ना। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले नारुतो। मुझे पता तुम अपना बेस्ट करोगे। एक और बोल प्लीज। नहीं रुको, रुक जाओ नारुतो। अगर तुम शिनोबी बनने का सपना छोड़ भी दोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। डाउनलोडेड फ्रॉम टीन वर्ल्ड फॉर ऑल। पर ये सच नहीं है, आप इसे जरूर ठीक कर देंगे ना लेडी सुनाड़े? चोट लगने की वजह से इसके स्पाइनल कॉलम में कई छोटे बोन फ्रेगमेंट्स फंस गए हैं, और कमाल की बात है अब तक चल पा रहा है, लेकिन अब ये एक अच्छा शिनोबी बन पाने के लायक नहीं है। आप जरूर इसे परख रही हैं, है ना? ये सब सच नहीं है। अगर मैं ऑपरेशन करूं तब भी नहीं।
इनकी मत सुनना ली। ये लेडी सुनाड़े नहीं है, ये कोई बहरूपिया है, ये जरूर कोई डीमन है, ये उनका रूप लेकर हमें धोखा दे रही है। कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें? ठीक नहीं हो सकता, उम्मीद करना बेकार है। मेरे अलावा कोई और ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, पर मैं कितनी भी कोशिश करूं, ऑपरेशन में रिस्क बहुत ज्यादा होगा। कैसा रिस्क? ऑपरेशन के कामयाब होने के चांसेस सिर्फ 50-50 हैं, और अगर ऑपरेशन फेल हो गया तो ये नहीं बचेगा। मैं हार नहीं मानूंगा कैसिन से, मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। इसका टेस्ट बहुत बुरा है कैसिन से, आप मुझे ये क्यों खिला रहे हैं? ये बहुत ही रेयर हर्बल मेडिसिन बॉल्स हैं ली, ऐसी 100 बॉल्स खाने से तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तो मुझे इनके टेस्ट से फर्क नहीं पड़ता, मैं इन्हें खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सबको एक साथ नहीं ठूसना था घनचक्कर। अच्छा होगा कि तुम शिनोबी बनने का सपना छोड़ दो, कोई और रास्ता ढूंढ लो। अगर पता होता आप ऐसी बात बोलने वाली हैं, तो मैं आपको यहाँ कभी लाता ही नहीं। ऐसा मत बोलिए। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, तो यकीन मानो मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, और उसे सच बताना जरूरी है, वो भी जल्द से जल्द। उसे फैसला लेना ही होगा, उसका पूरा भविष्य दांव पर लगा है।